अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स डिजाइन, बिटमिन का मिक्स डिजाइन कैसे करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे कि कंक्रीट का मिक्स डिजाइन होता है, सिमिलरली उसी प्रकार से बिटमिनस रोप बनाने के लिए हम लोग बिटमिन का मिक्स डिजाइन करते हैं। इसमें चार मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है मार्शल मेथड, जो कि इंडिया में मोस्टली इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरा है हवार्ड मेथड, और थर्ड है विम मेथड, और स्मिथ ट्रायएक्सियल मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड हैं, इसके बारे में आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहली बात यह है कि मिक्स डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें मिक्स डिजाइन की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हो कि किसी भी रोड पे जो हम पेमेंट बनाते हो, तो उसका टॉप जो सरफेस लेयर, अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं, तो उसमें बिटमिन का होता है। तो उस बिटमिन का जो लेयर होता है, उसका डिजाइन हमें मिक्स प्रोपोर्शनिंग जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि सफिशियंट मात्रा में बिटमिन होना चाहिए, ताकि हमारा जो पेमेंट है वो ड्यूरेबल रहे, काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छा गेन करे, ताकि वो सीयर को रजिस्ट कर पाए, जो कि हैवी लोड्स और हायर टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो सकता है। साथ ही साथ उसमें एयर वायर्स उतनी मात्रा में ही रहें, जिससे कि मान लेते हैं कि कॉम्पैक्शन किया गया है, फिर भी बाद में ट्रैफिक की वजह से कॉम्पैक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो, और वर्केबिलिटी हो उसको प्लेसमेंट करने में, मतलब उसको हम प्लेस करें बिटुमिनस मिक्स को रोड पे, तो वो वर्केबल होना चाहिए। साथ ही साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए टू अवॉइड प्रीमेच्योर क्रैकिंग, मतलब क्रैकिंग और श्रिंकेज को अवॉइड करें, ऐसा हमें मिक्स बनाना होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो मिक्स बनाते हैं, बिटुमिनस मिक्स बनाते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कोर्स एग्रीगेट होगा। कोर्स एग्रीगेट का मतलब ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोर्स एग्रीगेट हैं। ग्रेवल मोस्टली जो होता है, ये क्या करता है, ये इसकी वजह से कंप्रेसिव एंड सीयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ इंटरलॉकिंग मिल जाती है प्रॉपर्टीज़ के बीच में, जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें इंटरलॉकिंग होता है। अब आता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में वही सैंड हो जाएगा आपका, रॉक डस्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, फाइन एग्रीगेट आपका कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वायर्स होंगे उसमें ये आसानी से फिल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड चीज़ हो सकता है फिलर। फिलर मटेरियल्स क्या होते हैं, ये फाइन एग्रीगेट के बीच जो वायर्स बनते हैं उनको फिल करने के लिए होता है। ये स्टिफनेस देता है बाइंडर्स को, और साथ ही साथ थोड़ा इसके फिलर की वजह से परमेबिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। अब बात आती है लास्ट जो होता है, वो क्या होता है, बाइंडर होता है। बाइंडर का काम क्या होता है, ये जो एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, फिलर है, इनको बाइंड करके रखना है। ये क्या होते हैं, फिलर्स में आसानी से फिल हो जाते हैं अगर, और साथ ही साथ हमारे जो सरफेस है उसको इम्परमिएबल बना देते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आ सकता है आपका बिटुमिन आ सकता है, एस्फाल्ट आ सकता है, टार आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे चार कंस्टिट्यूएंट थे जो कि कोई भी बिटुमिनस मिक्स डिजाइन करते हैं तो जिसमें यूज होता है। ठीक है, अब बात आती है कि कितने टाइप्स ऑफ बिटुमिनस मिक्स हो सकते हैं। तो बिटुमिनस मिक्स जो हो सकते हैं वो चार प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला है वेल ग्रेडेड मिक्स। वेल ग्रेडेड मिक्स का मतलब ये है कि इसमें सारी चीज़ों का प्रोपोर्शन जो है वो ठीक से हो, ठीक सारे ग्रेडेड हों, मतलब बड़े साइज के पार्टिकल हों, फिर उससे छोटे साइज के पार्टिकल्स हों, ताकि उनके बीच जो वायर्स हो वो कम हो। ठीक है, विटामिन की मात्रा पर्याप्त हो। ठीक, तो ऐसे मिक्स को हम लोग बोलते हैं डेंस विटमिनस मैकेडम भी बोलते हैं। ये सबसे अच्छा होता है और अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, और इसमें थोड़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैप ग्रेडेड मिक्स। गैप ग्रेडेड मिक्स में क्या होता है, कोई भी लार्जर साइज का एग्रीगेट या कोई भी एग्रीगेट का साइज जो है अगर मिस हो गया, उसमें नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा जो मिक्स बनेगा वो फाइनली उसमें क्या रहेगा, पोरस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर भी ये फटीग के लिए सही होता है। अब आता है नेक्स्ट ओपन ग्रेडेड मिक्स। ओपन ग्रेडेड मिक्स क्या होता है, इसमें फाइन एग्रीगेट एंड फिलर की मात्रा क्या हो, कम हो, तो ऐसे केस में हमारा जो मिक्स बनेगा उसको बोलते हैं ओपन ग्रेडेड मिक्स।
ये पोरस होता है, इसमें फ्रिक्शन अच्छा होगा लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपन ग्रेडेड मिक्स। इसमें फिलर की मात्रा क्या होती है, रिक्वायर्ड मात्रा से कम होती है। ठीक, एक लास्ट है आपका टाइप बिटुमिनस मिक्स का, वो है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में क्या है कि अगर बाइंडर की मात्रा क्या हो, अब्सेंट हो या कम हो, तो ऐसे केस में वो हैवी लोड को ले ही नहीं पाएगा और जल्दी ही उसमें लिंक्स जो होंगे वो आपस में टूट जाएंगे, इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में कर्व प्रोजेक्शन की बहुत ही आवश्यकता हो जाएगी। तो ये आपका चार प्रकार का बिटुमिनस मिक्स था, वेल ग्रेडेड मिक्स जिसमें कि सारी प्रपोर्शंस ग्रेडेड अच्छे से होंगे, मिक्स होंगे। गैप ग्रेडेड में मान लेते हैं कोई भी लार्ज कोर्स एग्रीगेट या कोई भी एग्रीगेट का पार्टिकल जो है उसमें मिसिंग है, जिसकी वजह से वाइट्स क्रिएट हो जाता है। ओपन ग्रेडेड का मतलब ये है कि उसमें फाइन एग्रीगेट और फिलर हो सकता है, नहीं हो। अनबाउंडेड का मतलब ये है कि बाइंडर ही नहीं हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें डिफरेंट लेयर्स इन पेवमेंट। जो पेवमेंट हम बनाते हैं बिटुमिन मिक्स का, तो उसमें कितने लेयर देते हैं, तो तीन लेयर में देते हैं। सबसे जो पहली लेयर जो दी जाती है बेस कोर्स के ऊपर, जो आप देते हैं बिटुमिन की जो लेयर पहली, उसको बोलते हैं बिटुमिनस बेस कोर्स। ठीक है, तो बिटुमिनस बेस कोर्स के अंतर्गत आपका स्टोन, ग्रेवल और सैंड होते हैं जो कि बिटुमिन से बंधे होते हैं। इसको फाउंडेशन लेयर भी बोल सकते हैं, बिटुमिन का फाउंडेशन लेयर। ठीक है, ठीक, और इसको एज अ बाइंडर और सरफेस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है, जो पहला लेयर होगा हमारा बिटुमिनस बेस कोर्स कहलाता है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा लेयर दिया जाता है उसको बोलते हैं बिटुमिनस बाइंडर कोर्स। तो बिटुमिनस बाइंडर कोर्स क्या होगा, तीन लेयर बताया हमने, तो एक इसको इंटरमीडिएट कोर्स भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट कोर्स लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कहीं पर रीसरफेसिंग कर रहे हैं, पहले से रोड बना हुआ है उसको रीसरफेसिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये फर्स्ट बिटुमिनस लेयर का भी काम करता है बिटुमिनस बाइंडर कोर्स। ठीक है, अब लास्ट आता है एस्फाल्टिक या बिटुमिनस कंक्रीट। तो एस्फाल्टिक या बिटुमिनस कंक्रीट क्या होता है, ये मिक्सचर होता है एग्रीगेट का, और वो भी एग्रीगेट छोटे साइज़ के एग्रीगेट जिसमें मैक्सिमम साइज 25 mm हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें फिलर जो यूज होता है वो 0.075 mm से भी छोटे साइज़ का फिलर होता है, और इसमें सफिशियंट मात्रा में बिटुमिन को मिलाकर कॉम्पैक्ट करके इसको बनाया जाता है, जिससे कि हमारा जो टॉप लेयर होगा वो फिनिशिंग अच्छी होगी और इम्परमिएबल होगा और उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ठीक है, तो जो हम पेमेंट बनाते हैं तो उसमें तीन तरह के लेयर्स होते हैं। सबसे पहले जो हम बिटुमिन की जो लेयर देते हैं उसको बोलते हैं बिटुमिनस बेस कोर्स, दूसरा बोल सकते हैं बिटुमिनस बाइंडर कोर्स, और तीसरा आपका एस्फाल्टिक या बिटुमिनस कंक्रीट कोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप्स इन मिक्स डिजाइन। तो किसी भी मिक्स की डिजाइन जो करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि हमें कौन सा एग्रीगेट लेना है और उसकी ग्रेडिंग क्या होगी, इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो एग्रीगेट की ग्रेडिंग हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर लेते हैं, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हो सकता है कि प्रोपोर्शनिंग या एग्रीगेट बाय ट्रायंगुलर चार्ट मेथड। एक ट्रायंगुलर चार्ट मेथड होता है, इससे एग्रीगेट की प्रोपोर्शन कितना किस लेयर में कितना कितना होगा ये हम प्रोपोर्शन करते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि उसमें बिटुमिन को रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में हम बिटुमिन को मिलाते हैं और कॉम्पैक्ट करके फिर से हम उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट करने के बाद उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं कि अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है जब हमने उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दिया तो। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है उस कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन पे, जो स्पेसिमेन हमने कॉम्पैक्ट कर दिया उसका अब हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट कितना होगा ये हम इस आधार पे हम बता सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ बाइंडर कंटेंट, यानी इतना अमाउंट ऑफ बिटुमिन हमें देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं।